गाइज, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो वेब डेवलपमेंट सीरीज में हम लोग कवर कर चुके हैं ये सभी टॉपिक्स। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको इनका लिंक मिलेगा नीचे पिन कमेंट में। इसके अलावा जो हमारा ब्लॉग चैनल है उसको भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ और जल्दी से सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत अच्छा सा कॉन्टेंट जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, तो जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो भाई, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम आज सीखेंगे नेविगेशन बार बनाना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों। जनरली तो जो यूज होता है हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार होता है, बट हम दोनों ही देखने वाले हैं। तो इसके लिए जस्ट मैंने यहां पर एक फाइल बना ली है, HTML फाइल, जिसमें कि यहां पर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है और कुछ यहां पर लिस्ट आइटम्स दिए हैं। कंट्रोल एस में करती हूं और देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास, बट अभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है तो इसे गो लाइव करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट का कॉन्टेंट आ गया है विद द बाय डिफॉल्ट मार्कर्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान रखो, जब भी आप नेविगेशन बार बनाएंगे तो आपको उसके लिए एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके बाद हम उस लिस्ट को ऑल्टर करेंगे, ठीक है। जो ये लिस्ट के एलिमेंट्स आए हैं ना, यही आपके नेविगेशन बार के हेडिंग्स बनते हैं या फिर जिनको कहते हो टैब्स बनती हैं। तो हम स्टाइल टैग में अब जाएंगे। स्टाइल टैग में हमें क्या करना है, यूएल पर हमें कुछ लगाना है। इस अनऑर्डर लिस्ट पर हमने इस अनऑर्डर लिस्ट को एज अ सेलेक्टर हमने यूज़ किया और यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो ये डॉटेड आ रहे हैं मार्क्स जो आ रहे हैं इनको हमें हटाना है। तो उसके लिए लिस्ट स्टाइल टाइप को हम लोग कर देंगे नन। कंट्रोल एस किया तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया है। इसको मैं डबल स्क्रीन में कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो आइटम्स हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ रही हैं इनको हमें एक ही लाइन में लेके आना है। तो उसके लिए बताओ जल्दी से मैं क्या कर सकती हूँ, जल्दी से सोचो क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। यस, जिन लोगों ने फ्लोट के बारे में सोचा बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट कर देती हूँ तो क्या होगा, ये जो नेक्स्ट लाइन वाले आइटम्स हैं वो आपके सेम लाइन में आ जाएंगे। देखो कैसे, कंट्रोल एस किया तो ये देखो सब के सब एक ही लाइन में आ गए, बट अभी मज़ा नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कि क्या मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इनके बीच में हमें कुछ स्पेस देना होगा। तो स्पेस देने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या दे सकते हैं, पैडिंग। तो पैडिंग मैंने मान लो कि लगाई 20 pixels की, कंट्रोल एस किया तो ये सबके सब दूर दूर पहुंच गए हैं। अब हम लोग लगाते हैं इसका बैकग्राउंड कलर, तो कुछ हल्का सा बिस्क हमने लगाया है, कंट्रोल एस। तो देखिए इसने पूरे के पूरे जो ये एक हम बार बनाने वाले हैं जो कि अभी एक क्या है लिस्ट है सिर्फ, उसके पूरा बैकग्राउंड कलर यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप देखें तो पूरा बैकग्राउंड कलर इसका सेट हो गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि ये जो आइटम्स हैं वो सेपरेट हो जाएँ, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक बॉर्डर देना होगा। तो बॉर्डर भी दे देते हैं यहाँ पे भाई, बॉर्डर ऑफ 1 pixel सॉलिड बॉडी का और हम लोग यूज़ करेंगे ब्लैक। कंट्रोल एस किया तो ये इंडिविजुअल आइटम्स बन गए। तो कुछ लग रहा है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार यहाँ पर आ गई है। अब जो यहाँ पर होम, अबाउट, सब्जेक्ट, ये सब मैंने नॉर्मल एक कॉन्टेंट लिया है। आप इसको क्या बना सकते हैं, हाइपरलिंक्स बना सकते हैं एंकर टैग के थ्रू। कैसे बनाएंगे, एक मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एंकर टैग HREF और यहाँ पर अब आप दोगे जो भी एड्रेस आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो। तो ये देखो हमारे पास ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें हमारे पास ये एक हाइपरलिंक आ गया। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या कॉन्टेंट यहाँ पर रखना चाहते हो, ठीक है। अभी के लिए तो मैं जस्ट सिंपल आपको यहाँ पर एक बना के दिखा दिया। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, जब मैं अबाउट पर कर्सर लेकर जाऊँ तो होवर प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या करूँगी मैं यहाँ पर, मैं लिखूँगी LI: होवर स्टेट का हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे कि भाई आप क्या चाहते हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज होकर एक्वा हो जाए। कंट्रोल एस किया तो ये देखो जब मैं यहाँ पर कर्सर लेकर जा रही हूँ अबाउट पर या कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में तो कलर जो है चेंज हो जा रहा है। ऐसे ही चाहती हूँ कि जब इस पर क्लिक करूँ मैं तब भी कुछ हो भाई, तो एक्टिव स्टेट का आप लोग यूज़ कर लो यहाँ पर। मीन्स समझ रहे हो, हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम इनका कलेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने पुराना नहीं पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा करेंगी दिक्कत, तो इसलिए पढ़ लो पुराना जाके, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक्टिव में मैंने क्या किया कि केवल फॉन्ट कलर चेंज हो जाए। तो देखो अब मैं जब इस पर क्लिक कर रही हूँ तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या हो रहा है, फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है, देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है क्या, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अभी जल्दी से हम लोग देखते हैं कि भाई
जो वर्टिकल नेविगेशन बार है वो आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ से फ्लोट लेफ्ट हटा देती हूँ, कंट्रोल एस किया, तो देखो ये आ गया आपके पास वर्टिकल नेविगेशन बार आ गया। बस इनकी जो ये विड्थ है ये आप कम कर सकते हो। तो विड्थ कैसे कम करेंगे हम लोग, विड्थ के लिए आप यहाँ पर लगा दो भाई 30% की मैं चाहती हूँ कि जो विड्थ है वो कम हो जाए, और कम कर लो इसे 10% कर लो, कंट्रोल एस किया। तो ये आपके पास आ गया है क्या, वर्टिकल नेविगेशन बार। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से आप नेविगेशन बार को बना सकते हो अपने HTML पेज में। अब यहाँ पर जब आप किसी भी सेक्शन पर क्लिक करते हो तो आप क्या चाहते हो, कोई इमेज शो हो, कुछ कंटेंट शो हो, वो टोटली अब आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बाकी जब हम CSS कंप्लीट कर लेंगे और एक छोटी सी वेबसाइट हम लोग बनाएंगे तब वहाँ पर ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो अभी के लिए आप खुद से ट्राई करो और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लिख कर रखो, ताकि जब हम ये वाला प्रोग्राम करें, मतलब एक वेबसाइट बनाएं आगे अपने आने वाले वीडियोज़ में, तो आप वहाँ पर जो भी आगे कन्फ्यूजन थे वो आप वहाँ पर दूर कर सको। देखो एट दी एंड ULLI हमने पढ़ा हुआ था, बॉर्डर हमने पढ़ा हुआ था, लिस्ट स्टाइलिंग हमने पढ़ी हुई थी, और ये जो स्टेट्स हैं होवर एक्टिव स्टेट्स हमने यूज़ किए हैं, ये सभी कुछ हमने पढ़ा हुआ था। बस अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइनली इनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर कर सकूँ।